हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल शर्मा। आपके मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन 11, आईफोन XR, आईफोन SE2, आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, सभी के ऊपर आप अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। आपको 10 से 14 हज़ार रुपये तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इतना अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं आपके आईफोन्स के ऊपर और उसको परचेज कर सकते हैं ईजिली। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप iPhone 11 परचेज करना चाहते हैं तो अगर आप अभी उसकी प्राइस देखने जाओगे तो आपको 49,900 रुपीज़ का iPhone 11 का बेस वेरिएंट 64GB वाला देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पे HDFC बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तो वहां पे आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इट मीन्स कि आपको 45,000 रुपीज़ का ये आईफोन 11 का बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा और जो है डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा वो मैं थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जब सारे और आईफोन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं आईफोन 12 के ऊपर। आईफोन 12 की जो प्राइसिंग है वो उसके अंदर काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। आईफोन 12 का जो बेस वेरिएंट है 64GB वाला, उसकी जो प्राइसिंग निकल के आई है वो 65,900 रुपीज़ की देखने को मिली है। अगर इसके अंदर आप 5,000 रुपये का जो डिस्काउंट HDFC बैंक का क्रेडिट और डेबिट कार्ड वहाँ से भी ले सकते तो आपको 60,000 रुपीज़ का ये आईफोन 12 है ये देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी डील्स निकल के आई है आईफोन 12 की तरफ से भी। अगर आप iPhone 12 mini की तरफ देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी डील्स देखने को मिली है। 59,900 रुपीज़ iPhone 12 mini बेस वेरिएंट की निकल के आई है और वहाँ पे सेम आपको 5,000 रुपये का HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की तरफ से आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट लेना है iPhone 11, 12, 12 mini और जो भी XR वगैरह, इन पर अगर आपको इनसे भी ज़्यादा डिस्काउंट लेना है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑलरेडी आपको मिल चुका है, लेकिन आप चाहते हो, देखो किसको पसंद नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, तो उसके लिए आपको कुछ दिन का वेट करना होगा। अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरफ से जो है सेल्स निकल के आने वाली हैं। फ्लिपकार्ट की तरफ से बिग बिलियन डे निकल के आएगी, उसके जो रूमर्स के हिसाब से 6 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर से जो है बिग बिलियन डे स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपको अलग से ही 4-5 हज़ार रुपये का आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास आईफोन 11 आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको वो समथिंग 40,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। आईफोन 12 है उसको आपको 55,000 से 60,000 के रुपीज़ के बीच में देखने को मिल जाएगा और आईफोन 12 है वो आपको मतलब 60,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। तो देखो इतना अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको वेट कर लेना चाहिए बिग बिलियन डे की तरफ। और अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है तो यार मेरे को भेज दो ना, मेरे पास है, आप मेरे को पैसे भेज दो, मैं आपका ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, आपके पास रिसीव हो जाएगा। अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है तो देखो ऐसा कहने में सुनने में आ रहा है कि जो है आईफोन है उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो ICICI बैंक का और एक्सिस बैंक का भी देखने को मिल सकता है आपको बिग बिलियन डे के ऊपर। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी अपने फ्रेंड से अरेंज करके ये जो डिस्काउंट मिल रहा है आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी आईफोन के बारे में कि कितना अच्छा आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है आईफोन की तरफ से। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि आपको आईफोन 12 परचेज करना है या फिर आईफोन 13 परचेज करना है तो उसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है हमारे चैनल पे, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन पे मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली उसको वॉच कर सकते हैं ताकि आपको जो भी अगर कन्फ्यूजन है आईफोन 12 और आईफोन 13 के ऊपर तो वो आपका जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको कोई भी और थॉट है, आपको कुछ और भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में वहाँ पे लिख देना, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपकी और हमारी मुलाकात ऐसी होते रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।